Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Science setu So, friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of classical and statistical thermodynamics, which was asked in CSIR Net June two thousand nineteen exam. Okay? So let's start. See, this is your first question. It says. फॉर वन मोल ऑफ अर मोनो ओटामिक आइडियल गैस इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम थ्री हंड्रेड कैलविन एंड टू एटमोस्फेरिक प्रेशर टू सिक्स हंड्रेड कैलविन एंड फोर एटमोसफेरिक प्रेशर द एंट्रोपी चेंज फॉर दिस प्रोसेस इज एंड यू हैव फोर ऑप्शन सो फ्रेंड्स आपको एक वन मोल मोनो ऑटामिक गैस गिवन है जिसका ट्रांसफॉमेशन हो रहा है थ्री हंड्रेड कैलविन से सिक्स हंड्रेड कैलविन टेम्परेचर पर एंड प्रेशर हो रहा है टू एटमोसफेरिक प्रेशर से फोर एटमोस्फेरिक प्रेशर ओके आपको इस ट्रांसफॉमेशन का एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है इन चार ऑप्शन में से टू मार्स का क्वेश्चन नहीं है ओके okay, चलिए देखते देखिए अगर आप बात करें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप देखेंगे यहां पर बोल रहा है मोल मोल ऑफ ऑफ गैस सो यहां पर जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है एन हमको क्या गिवन है मोनो गैस गिवन है अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका सिक्स थ्री हंड्रेड कैलविन टू सिक्स हंड्रेड पर ओके सो इट मी जो आपका T1 वन हो गया वो तो हो गया आपका 300 हंड्रेड के एंड जो T2 टू हो गया आपका कितना हो गया 600 हंड्रेड इसके बाद जो आपको गिवन है प्रेशर प्रेशर गिवन है टू एटमोस्फेरिक प्रेशर P1 वन एंड पी टू आपको गिवन है फोर एटमोस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको ओके okay, ये सारी क्वांटिटीज आपको क्वेश्चन में गिवन है अब देखिए अगर आप बात करते हैं गैस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की तो यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज डेट इज डेल्टा इसका फार्मूला होता है वो आपको वेल नोन फार्मूला है क्या फार्मूला होता है आपका एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस एन आर एल एन टी टू बाई पी वन ओके अब देखिए आर तो गैस कॉन्स्टेंट है टी टू टी वन पी टू पी वन एन एन की वन है बात करते हैं सी पी की तो जो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो सी पी की वैल्यू होती है फॉर मोनो ऑटोमिक गैस सी पी फॉर मोनो ऑटोमिक गैस विल बी इक्वल टू फाइव बाई टू आर ओके ये वैल्यू डायरेक्ट आपको याद रखनी है ठीक है ये आपको पता लग गया नाम अब देखिए अब आपको क्या वो सारी वैल्यूज पता लग चुकी है एक एक करके क्या करिए इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में प्लेस करते जाइए सो डेल्टा एस इज़ इक्वल टू एन कितना है वन सी कितना मिला आपको फाइव बाई टू आर एल एन टी टू बाई टी वन डैट इज सिक्स हंड्रेड कैलविन बाय थ्री हंड्रेड कैलविन माइनस एन वन आर एल एन पी टू बाई पी वन डैट इज़ फोर बाय टू नाव देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं सो ये आपको मिलेगा फाइव बाई टू आर एल एन टू माइनस आर एल एन टू ओके तो आप देखें यहाँ से जो कॉमन टर्म आएगी आपकी आर एल एन टू कॉमन आ गया यहाँ से आपको मिला फाइव बाई टू माइनस वन फाइव बाई टू माइनस वन किसकेवल होता है आपका थ्री बाय टू के इसको जब आप सॉल्व करेंगे टू वन सर टू एंड फाइव माइनस टू आर थ्री सो थ्री बाई टू सो दिस वैल्यू शुड बी थ्री बाई टू आर एल एन टू ओके So, यहां से अगर आप देखें तो आपको कॉर्नर में क्वेश्चन दिख रहा है सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर डेट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एज और द एंट्रोपी चेंजेस थ्री बाई टू आर एल एन टू सिंपल क्वेश्चन था ये आई होप आपको समझ आ गया होगा टू मार्क्स का क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स ओके नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी इट्स इज द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी द स्मॉलेस्ट फॉर द मॉलीक्यूल अमंग द फॉलोइंग एज एंड यू हैव फोर ऑप्शन दट इज एच टू एल आई टू एन टू एंड एफ टू फ्रेंड्स आपको इन चारों मॉलिक्यूल में से ये फाइन करना है कि इन चारों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन किसकी होगी ओके टू मार्क्स का क्वेश्चन है ये, चलिए देखते हैं देखिए अगर हम बात करें रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन डेट इज़ क्यू आर तो इसका जो फार्मूला होता है आपका एट पाई स्क्वायर आई के टी अपॉन एच स्क्वायर ये आपका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला है फ्रेंड्स ओके नाउ देखिए पाई कांस्टेंट होता है आपका के जो है आपका डैट इज़ बोल्समैन कांस्टेंट टेम्परेचर एच प्रां कॉन्स्टेंट आई क्या आपका मोमेंटम तो जो आई होता है आपका वो किससे फाइन करते हैं म्यू आर स्क्वायर से ओके वेयर म्यू इज रिड्यूज मासट स्पीसीज और डेट मॉलिक्यूल ओके इसकी वैल्यू किस तरह से देंगे आप म्यू की वैल्यू एम वन इंटू एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ओके जो भी आपके मॉलिक्यूल है उसमें दोनों एटम्स का मास डिवाइडेड बाय उनके मास का एडिशन ओके okay? ये तो हो गया उस स्पीसीज़ का रिड्यूज मास एंड जो आपकी आर है वो क्या होगी बॉन्ड लेंथ ऑफ डेट बॉन्ड लेंथ ऑफ डेट मॉलिक्यूल ओके okay? जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें दोनों आइटम्स के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो आर है तो इस फार्मूला को आप किस तरह से लिख सकते हैं जो दूसरी टर्म होगी डेट इज क्यू आर इज इक्वल टू एट पाई स्क्वायर इंटू म्यू आर स्क्वायर के टी अपॉन एच स्क्वायर ओके ये इसकी अनदर टर्म है आपकी किसकी रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की नाउ अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए कॉन्स्टेंट टर्म कौन कौन से ये बोल्समैन कॉन्स्टेंट है ओके okay? एंड अगर आप देखें तो ये पाई भी आपका क्या है कांस्टेंट रह जाएगा ओके एंड एच जो है आपका क्या है ये भी कांस्टेंट रह जाएगा तो बच्ची का टर्म आपकी एट भी कांस्टेंट है तो बच्चा का आपका रिड्यूस मास बॉन्ड लेंथ एंड टेम्परेचर सो आपका जो ये रोटेशनल पार्टीशन कांस्टेंट होता है ये किस पर डिपेंड करता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक तो रिड्यूस मास के एक बॉन्ड लेंथ के एंड एक टेम्परेचर के ओके इट मीन्स जिस स्पीसीज़ की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी या रिड्यूस मास ज़्यादा होगा उसका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी ज़्यादा होगी ओके नाम अब देखिए जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं चारों ऑप्शन में आप कंपेयर कीजिए हाइड्रोजन लीथियम नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन जो आपको मॉलिक्यूल्स की है इसमें अगर आप फाइंड करें तो इसमें हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है ओके तो नो no डाउट जो इसका मॉलिक्यूल होगा उसका रिड्यूस मास सबसे कम होगा तो यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो द वैल्यू ऑफ रिड्यूस मास फॉर हाइड्रोजन इज वेरी वेरी लेस कंपेयर देन अदर थ्री मॉलिक्यूल्स ओके सो इट मीन्स यहाँ पर म्यू एच टू इज लो इज लोएस्ट ओके जो आपको चार ऑप्शन हो उनमें से सो इट मीन्स जो आपका स्मॉलेस्ट पार्टीशन फंक्शन होगा रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन वो किसके लिए होगा इन चारों में से हाइड्रोजन के लिए सो स्मॉलेस्ट रोटेशन पार्टीशन फंक्शन एच टू मॉलिक्यूल समझ में आ गया फ्रेंड्स किस पर डिपेंड कर रहा है रिड्यूज मास बॉन्ड लेथ एंड बॉन्ड लेंथ का भी सेम कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए देखिए बॉन्ड लेंथ भी क्या है आपकी इसी की आएगी ओके सो रिड्यूज मास सबसे कम आपका ये है तो इस वजह से क्या है आपका जो H2 मॉलिक्यूल है वो उसका जो आपका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन है उसकी वैल्यू सबसे कम आएगी सो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओके टू मार्क्स का था ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको फ्रेंड्स ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते सी इट सेज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीज ऑफ टू गैसेस ए एंड बी डिनोटेड बाय एस नॉट एम ए माइनस एस नॉट एम बी एट ए गिवन टेम्परेचर गिवन डेट द मोलर मास ऑफ ए इज़ ट्वाइस द मोलर मास ऑफ बी एंड यू हैव फोर ऑप्शन फ्रेंड्स आपको स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीज में डिफरेंस फाइंड करना है दो मोनोटामिक गैसेस की इनकी जो स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीज का नोटेशन है वो एस नॉट एम एंड एस नॉट एम बी है यानी दो कैसे ए एंड बी ओके एंड आपको क्या गिवन कंडीशन है कि जो मोलर मास ऑफ ए है वो मोलर मास ऑफ बी का क्या है दुगुना है एंड आपके पास चार ऑप्शन है ये फोर मार्क्स का क्वेश्चन है ये ओके चलिए देखते हैं देखिए सबसे पहले जो आपको गिवन कंडीशन है क्या है बोल रहा है द मोलर मास ऑफ ए इज ट्वाइस द मोलर मास ऑफ बी ओके अब देखिए जो फॉर्मूलाता है आपका स्टैंडर्ड एंट्रोपी का ओके okay? क्या होता है आर एल एन क्यू प्लस आर टी कर् एल एन क्यू बाय टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड यहाँ पर जो क्यू होता है आपका वो होता है ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन जिसकी वैल्यू आप देते हैं टू पाई एम के टी अपॉन एच स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू ये होती है आपकी फॉर मोनोटोमिक गैस बिकॉज हमको क्वेश्चन में मोनोटॉमिक गैस कंडीशन गिवन है इसलिए हम मोनोटॉमिक गैस का फार्मूला यूज कर रहे हैं ओके तो आपको ये समझ आ गया स्टैंडर्ड एंट्रोपी का फार्मूला मोलर एंट्रोपी का ये एंड ये क्यों क्या आपका ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन ओके अब देखिए फ्रेंड्स आप क्या करें सबसे पहले ये जो आपका ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करिए तो आपको पता है कि जब भी आप किसी पावर वाले टर्म को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो पावर क्या होती है मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है तो देखिए यहाँ से अगर आप करें एल एन क्यू इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू पावर मल्टीप्लीकेशन में आ गई एल एन टू बाई एम के टी एच स्क्वायर ओके नाउ देखिए आप इसको क्या करिए अलग अलग हो. दीजिए इस इक्वेशन को देखिए कैसे थ्री बाई टू एल एन टू बाई एम के अपॉन एच स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू एल एन टी आपने क्या कि इस टेम्परेचर के टर्म को अलग कर लिया इस पूरी इक्वेशन में से अब क्यों क्या देखिए बिकॉज पाई कांस्टेंट है एम मास भी कांस्टेंट रहता है एक मॉलिक्यूल का गैस का के बोल्समैन कॉन्स्टेंट है एच तो वेरिएबल टर्म होगी वो ओनली क्या होगी टेम्परेचर इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन आपको मिल गई नाउ अब आपको क्या परफॉर्म करना है इक्वेशन नंबर वन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर सो इक्वेशन वन डिफ्रेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर ओके सो देखिए क्या आएगा आपका विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एल एंड क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ठीक है क्या हो गया आपका ये देखिए अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या है आपकी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर टी नहीं है तो बिकॉज आपका अगर जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं एंड यहाँ पर जो कांस्टेंट अगर सारी टर्म कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है ये आपको रूल पता है सिंपल डिफ्रेंशिएशन का ओके okay? बिकॉज़ यहाँ पर टी नहीं है तो ये आपकी पूरी की पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी जीरो के इक्वल हो जाएगी अगर आप इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाली टर्म हो गई जीरो एंड एल एन टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है आपका वन बाई टी एल एन टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा वन बाई टी सिंपल डिफरेंशिएशन रूल है सो so, ये जो पूरी टर्म is, Q में दैट इज एल एन क्यू का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ये क्या बच जाएगा आपके पास थ्री बाई टू इन टू एल एन टी दैट इज वन बाई टी ओके समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको ठीक है नाउ देखिए आपने क्या किया है ये टर्म निकाली है एंड ये वाली टर्म अगर आप देखें तो आपको ये जो स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी है इसमें दिख रही है ये रही यही टर्म तो अभी आपने निकाली है कर्ल एल एन क्यू अपॉन कर्ल टी देख लीजिए तो आप क्या करेंगे अब इस फॉर्मूला में इस इक्वेशन की वैल्यू को क्या कर दीजिए प्लेस कर दीजिए ठीक है तो चलिए प्लेस करते हम देखिए एंड साथ ही साथ देखिए क्या होगा अगर आप देखें यहाँ पे एल एन क्यू तो एल एन क्यू की वैल्यू क्या है थ्री बाई टू एल एन टू पाई एम की आई ओवर एच स्क्वायर सो इसकी भी वैल्यू आप क्या करेंगे यहां पे प्लेस कर देंगे तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है एल एन क्यू एंड कर्ल एल एन क्यू अपन कर्ल डेट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दोनों की वैल्यू क्या करनी है इस स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी वाले फार्मूला में प्लेस करनी है ओके तो चलिए एक एक करके रखते जाते हैं हम देखिए आपके पास दो गैसेज थी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एस नॉट एम ए ओके फॉर ए ए गैस के लिए हम क्या करें स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी की वैल्यू रखते हैं, देखिए आर तो है ही आपके पास ठीक है ये आर है अब देखिए एल एन क्यू की वैल्यू क्या थी आपकी थ्री बाई टू एल एन देखिए टू पाई, अब यहाँ पे देखिए मोलर मास है तो हम ए कर देते ए का ही आएगा बाकी के आई अपॉन एच स्क्वायर ठीक है प्लस आर टी इंटू कल टी अपन कल बाय कल टी एल क्यों था इसकी वैल्यू क्या थी आर टी इंटू थ्री बाय टू इंटू टी थ्री बाय टू टी ओके ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर टू नाउ इसी तरह देखिए आप क्या करेंगे गैस बी के लिए भी कर लेंगे स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ये सेम वैल्यू आएगी आपकी आर इंटू थ्री बाय टू एल एन टू पाई एम बी कर देंगे यहाँ पर के आई अपॉन एच स्क्वायर प्लस आर टी थ्री बाय टू टी ओके ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड अब देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है इस टी साफ टी को कैंसिल कर सकते हैं दोनों इक्वेशन में ओके अब आपको क्या फाइंड करना था ये डिफरेंस ही तो फाइंड करना था दोनों गैसेस की स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीस का तो देखिए एस नॉट एम ए माइनस एस नोट एम बी ओके अब देखिए जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बचेगा देखिए यहाँ पर तो बचा आपके थ्री आ, आर बाय टू ओके okay? तो देखिए यहाँ से आप इसको करते जाइए एक एक को आ, थ्री बाई टू आर एल एन टू पाई अब देखिए हमने क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या बोली थी कि मोलर मास ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ मोलर मास ऑफ बी सो एम ए को आप किसके इक्वल लिख सकते हैं टू इंटू एम बी के इक्वल लिख सकते हैं so, सो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको टू इंटू एम बी के आई अपॉन एच स्क्वायर ओके प्लस प्लस थ्री आर बाय टू ओके आगे देखिए माइनस थ्री बाय टू आर एल एन टू बाई एम बी के टी अपॉन एच स्क्वायर प्लस थ्री आर बाय टू ओके अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो सकता है आप अगर देखें तो देखिए ये प्लस थ्री आर बाय टू है ये प्लस, प्लस माइनस माइनस तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी आपके ओके okay? यहाँ पे देखिए अब आपके और क्या क्या कैंसिल हो सकता है ये टू पाई के आई अपॉन एच स्क्वायर माइनस टू पाई के आई अपॉन एच स्क्वायर ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो आपके पास टर्म बचेगी हम उसको लिख लेते हैं। देखिए अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा एंड में एस नॉट एम ए माइनस एस नॉट एम बी इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू आर एल एन टू एम बी माइनस थ्री बाई टू आर एल एन एम बी ये बचा आपके पास ओके सो तो देखिए यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे की इक्वेशन तो बहुत सिंपल है कैलकुलेशन क्या होगी थ्री बाई टू आर एल एन कॉमन ले लिया आपने देखिए ठीक okay? so है टू माइनस वन ओके सो टू माइनस वन एम बी है यहाँ पर नम जो आपका मोलर मास ऑफ बी है वो आएगा सो so अल्टीमेटली क्या बचा है एंड में थ्री बाई टू आर एल एन यही बचेगा आपके ठीक है टू एम बी माइनस एम बी कितना बचा वन मुलर मास ऑफ इज वन सो यहाँ पर आप क्या करेंगे यही कैलकुलेशन है वन आ जाएगा थ्री बाय टू आर एल एन ओके सो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर वन है वो क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा देख लीजिए कॉर्नर में दिख रहा है आपको क्वेश्चन ओके ऑप्शन नंबर वन समझ आ गया आपको फ्रेंड्स तो देख लीजिए एक बार फिर से ठीक है ये इसका पूरा सॉल्यूशन है आपका आई uh, होप आपको समझ आ गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी इट सेज ए नॉन आइडियल गैस फॉलोज द इक्वेशन पी इज इक्वल टू आर टी बाई वी एम वन प्लस बी बाई वी एम वेर बी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली द डेविएशन इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम डेट ऑफ एन आइडियल गैस यू माइनस यू आइडियल इज गिवन बाय एंड यू हैव फोर ऑप्शन फ्रेंड्स आपको एक नॉन आइडियल गैस इक्वेशन गिवन है एंड यहाँ पर जो बी है आपका क्या है टेम्परेचर फंक्शन है आपको इंटरनल एनर्जी में डेविएशन फाइंड करना है मीन्स यू अगर आपके एक रियल गैस की इंटरनल एनर्जी और एक आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी दोनों में क्या फाइंड करना है आपको डिफरेंस फाइंड करना है इन चार ऑप्शन में से ओके फोर मार्क्स का क्वेश्चन है आपका चलिए देखते हैं देखिए अगर आप यहाँ पर आ, बात करें फर्स्ट थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट ये क्या कहती है आपके देखिए कर्ल यू अपॉन कल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी इंटू कल पी अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस प्रेशर ओके okay, ये आपकी होती है फर्स्ट थर्मोडाइनिक इक्वेशन ऑफ स्टेट नाउ आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो गिवन कंडीशन है गिवन क्या है पी डेट इज आर टी अपॉन वी एम इंटू वन प्लस बी बाय वी एम इसको आप अगर और ओपन करते हैं तो देखिए क्या होगा पी इज इक्वल्स टू आर टी बाय वी एम प्लस देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन से मल्टीप्लाई करेंगे आर टी बाई वी एम एन बी आर टी बाय वी एम स्क्वायर ओके ये आपकी आई इक्वेशन अब देखिए आपको P मिल गया आप क्या करते हैं इसका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखिए आपको क्या है जो थर्मोडाइमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में यहाँ पर सबसे पहले देखिए T गिवन है P गिवन है ओके T और P की बात बाद में करेंगे पहले आपको ये वैल्यू निकाल ली है कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो देखिए ये इसी पी से निकलेगी सो यहाँ से अगर आप बात करें कर्ल पी अपॉन कर्ल्ट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मीन्स आप क्या कर रहे हैं प्रेशर का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं कॉन्सटेंट वॉल्यूम पर तो देखिए क्या होगा देखिए यहाँ पर क्या है आर तो कॉन्सटेंट है टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन होगा एंड वन बाय वी एम का क्या रह जाएगा वी एम ही रह जाएगा सो देखिए ये आपकी टर्म हो गई आर बाय वी एम प्लस बी आर बाय वी एम स्क्वायर प्लस आर टी बाय वी एम स्क्वायर इंटू कर्ल बी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बी को ये टेम्परेचर आपका क्या एक फंक्शन एंड बी भी क्या टेम्परेचर का फंक्शन है तो यहाँ पर हम क्या आपका करेंगे आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हियर अप्लाई प्रोडक्ट रूल ओके डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपको डिफ्रेंशिएशन मिलेगा इस तरह से ओके सो देखिए अब आपको कर्ल पी अपॉन कल्ट टेट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मिल गया नाम अब आप, आप क्या करें इसकी वैल्यू क्या करें आपकी जो फर्स्ट टर्म अर्माद की इक्वेशन ऑफ स्टेट इसमें प्लेस कर दीजिए सो so, यहाँ से आपको क्या मिली वैल्यू कल यू अपॉन कल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विच इज़ इक्वल्स टू अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे टी इंटू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई टी दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाई टी ओके सो so, एक एक करके करते जाइए आर टी बाई वी एम प्लस बी आर टी बाय वी एम स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर इंटू कल बी अपॉन कल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस माइनस पी है यहाँ पर ओके एंड देखिए फ्रेंड्स पी की वैल्यू आपने ये निकाली थी तो यहाँ पर पी की जो पी होगा आपका फर्स्ट टर्म इक्वेशन ऑफ स्टेट में यहाँ पर आप क्या करेंगे ये वैल्यू रख दीजिए तब ये माइनस में क्या जाएगा आर टी बाय वी एम माइनस बी आर टी बाय वी एम स्क्वायर ओके ये पूरी इक्वेशन आपको समझ आ गई नाउ देखिए अगर आप इस इक्वेशन को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे जो कट होने वाली टर्म है वो देखिए कौन सी ये आर टी अपॉन वी एम ये आपके माइनस आर टी अपॉन वी एम ओके एंड इसी तरह देखिए ये है आपकी प्लस बी आर टी अपन वी एम स्क्वायर ये आपकी माइनस बी आर टी अपन वी एम स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गई सो अल्टीमेटली जो आपके पास टर्म बची कल यू अपॉन कल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये क्या बची आर टी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कल बी अपॉन कल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ओके नाम अब देखिए आप क्या करेंगे इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे जब आप इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं कर यू तो देखिए कल भी आप इधर ले जाएंगे सो आर टी स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर कल बी अपॉन कल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वी एम स्क्वायर इनटू कल वी कल वी आप क्या ले गए इधर ले गए नाउ देखिए वन अपॉन वी एम स्क्वायर का वी के रेस्पेक्ट में जो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन अपॉन वी एम रह जाएगा एंड कल यू का इंटीग्रेशन यू होता है इंटरनल एनर्जी सो ये आपकी हो जाएगी आर टी स्क्वायर इंटू कल बी अपॉन कल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस वन अपॉन वी एम वन अपॉन वी एम स्क्वायर का माइनस वन अपॉन वी एम ओके सो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू बची आपकी क्या बची माइनस आर टी स्क्वायर बाई वी एम इंटू कल बी अपॉन कल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ओके देखिए ये जो वैल्यू आई वो तो है आपकी रियल गैस के लिए एंड आपको पता है जो आपकी आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी होती है वो थी जीरो जब आप इनका डिफ्रेंस लेंगे दैट इज़ यू रियल माइनस यू आइडियल तो ये वैल्यू आपकी इतनी आएगी माइनस आर टी स्क्वायर बाई वी एम इन कर्ल बी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विच इज योर ऑप्शन नंबर थ्री, देख लीजिए आपके सॉरी नॉट थ्री सेकेंड ऑप्शन नंबर सेकेंड आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में कॉर्नर में ओके सो वापस से देख लीजिए इसका सॉल्यूशन फ्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट आपका क्वेश्चन था ये इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ज्यादा हो गया आपका लेकिन अगर आप केयरफुल ऑब्जर्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती इस टाइप के क्वेश्चन के नया टाइप का क्वेश्चन था ये इससे पहले नहीं पूछा गया था ओके आ, वैसे देखा जाए फ्रेंड्स तो जो आपका ही जो जून टू थाउजेंड नाइनटीन वाला पेपर है काफ़ी डिफरेंट टाइप के इसमें क्वेश्चन देखिए वैसे अगर आप इससे पहले के मेरे सॉल्यूशन देखेंगे तो मैक्सिमम दस से बारह नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं थर्मोडायनोमिक्स से लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि जून टू थाउजेंड नाइन्टीन में ट्वेंटी मार्क्स से थर्मोडायनोमिक्स पूछी गई थी जहाँ पर आपके चार क्वेश्चन तो पार्ट सी में थे एंड टू क्वेश्चन पार्ट बी में थे अभी भी टू क्वेश्चन बाकी इसके तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया ओके सो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना एंड सी इट सेज व्हेन टू मोल्स ऑफ लिक्विड ए आर मिक्स विद टू मोल्स ऑफ लिक्विड बी एट थ्री हंड्रेड द एक्सिस मोलर गिव्स एनर्जी ऑफ द सॉल्यूशन इज पॉइंट फाइव किलो जूल पर मोल इन नेगेटिव द वैल्यू ऑफ ऑफ एनर्जी मिक्सिंग इन किलो जूल इज क्लोजेस्ट टू वेयर आर इज इक्वल टू एट पॉइंट थ्री जूल पर कैलोइन पर मोल एंड यू हैव फोर ऑप्शन सो फ्रेंड्स देखें यहाँ पर आपको टू मोल्स ऑफ लिक्विड्स गिवन है दो लिक्विड्स गिवन है जिनको जिनकी आपको क्या फाइंड करनी है गिफ्ट एनर्जी ऑफ मिक्सिंग फाइंड करनी है इनकी एक्सेस मोलर और गिफ्ट एनर्जी आपको गिवन है दोनों के टेम्परेचर आपको गिवन है ओके okay, आर की वैल्यू गिवन है चार ऑप्शन आपको गिवन है फोर मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है ठीक है तो चलिए देखते हैं ना देखिए फ्रेंड जो आपकी डेल्टा जी यानी गिव्स एनर्जी ऑफ मिक्सिंग होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है एन आर टी इंटू समीशन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई ओके यहाँ पे देखिए जो आपका एन होता है क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स जो आपके टोटल आपका सॉल्यूशन बन रहा है उसका नंबर ऑफ मोल्स सो यहाँ पर देखिए जो आपकी एन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी देखिए आपके टू मोल्स ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी मिक्स हो रहे हैं ओके सो टू मोल्स ऑफ ए प्लस टू मोल्स ऑफ बी विच इज़ इक्वल्स टू फोर सो एन की वैल्यू क्या हो गई फोर हो गई अब देखिए यहाँ पर जो एक्साइज होता है वो क्या होता है आपका मोल फ्रैक्शन होता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका मोल uh, फ्रैक्शन आप इंडिविजुअल सब्सटेंस uh, का फाइंड करते सॉल्यूशन का नहीं तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डेट सब्सटेंस अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन ओके सो यहाँ पर देखिए अगर आप एक्स तो तो ए फाइंड करते हैं तो एक्स से देखिए टू मोल्स तो कितने ए के एंड टोटल मोल्स कितने फोर सो so, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका टू बाय फोर ए एंड इसी तरह जब आप एक्स बी की बात करेंगे तो बी का भी क्या है टू मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स फोर तो आपको दोनों के क्या मिल गए नंबर ऑफ मोल्स भी मिल गए ना अब देखिए आपको एक्स आई मिल चुका आपको एन मिल चुका आर एन टी आपको गिवन ही है एक एक करके क्या करिए वैल्यूज पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में सो डेल्टा जी मिक्स फॉर दिस सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू देखिए एन क्या है आपके पास फोर आर टी अब देखिए समीशन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई देखिए टू बाई फोर एल एन टू बाय फोर प्लस टू बाय फोर एल एन टू बाय फोर यही होगा आपके ओके नाउ देखिए आगे जब आप इसको सॉल्व करते फोर आर टी देखिए टू बाय फोर एलेन टू बाय फोर ये कितनी बार आपके टू बाय तो ये टू इं टू टू बाय फोर एलन टू बाय फोर ये हो जाएगा नाउ देखिए इसको आप टू से टू कैंसिल ये पूरी टर्म तो अल्टीमेटली क्या बचा फोर आर टी इन एल एन टू बाय फोर ठीक है सो यहाँ से जो डेल्टा जी मिक्स आएगा आपके क्या आएगा फोर आर टी एल एन टू बाय फोर ठीक है आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं टू बाय फोर डेट इज़ वन बाय टू तो फोर आर टी एल एन वन बाय टू नाम इसको आप देखिए क्या करेंगे डेल्टा जी मिक्स इज इक्वल्स टू फोर आर टी एल एन वन बाय टू को क्या लिख सकते हैं एल एन वन माइनस एल एन टू ये फार्मूला है आपका एल एन एम बाय एन का फार्मूला होता एल एन एम माइनस एल बाय एन ओके एंड यू नो वेरी वेल डेट एल एन वन वैल्यू इज ज़ीरो ओके एंड अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं हम डेल्टा जी मिक्स इज़ इक्वल्स टू फोर आर टी माइनस फोर आर टी एल एन टू हो जाएगा ये ओके माइनस फोर आर टी एल एन टू ये माइनस आगे आ जाएगा ओके okay? जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए माइनस फोर इंटू एट पॉइंट थ्री क्वेश्चन में गिवन है इन टी कितना आपका थ्री हंड्रेड अब देखिए एल एन टू को आप लॉग में चेंज कर दीजिए तो एल एन टू का log टू कितना जब आप नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री से ओके इन टू टू लॉग टू की वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो ये आपको पता होनी चाहिए सो डेल्टा जी मिक्स इज इक्वल्स टू माइनस फोर इंटू एट पॉइंट थ्री इंटू थ्री हंड्रेड इंटू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू जीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू माइनस सिक्स एट डबल वन जूल पर बोल लेकिन आपसे आंसर किस में पूछा गया किलो जूल पर मोल में तो ये आपका आ जाएगा लगभग माइनस सिक्स किलो जूल पर मोल जो कि आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड है दिख रहा है आपको कॉर्नर में क्वेश्चन ओके देख लीजिए आप फ्रेंड्स वापस से ऑप्शन नंबर सेकेंड दिख रहा है आपको समझ आ गया होगा वापस से देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं बस आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है डेल्टा जी मिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका ओके okay? सो so, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोल्यूशन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी इट सेज ए सैम्पल ऑफ टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस अज्यूमड आइडियल एट 500 हंड्रेड कैलविन इज एक्सपांडेड फ्रॉम फाइव लीटर टू फिफ्टी लीटर अंडर एडिया एंड रिवर्सिबल कंडीशन द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इन किलो जूल इज क्लोजेस्ट टू वेयर आर इज इक्वल टू एट पॉइंट थ्री जूल पर कैलविन पर मोल एंड सी वी इज इक्वल्स टू फाइव बाई टू आर एंड यू हैव फोर ऑप्शन फ्रेंड्स आपको क्या गिवन है एक सैम्पल गिवन है टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस का फाइव हंड्रेडी टेम्परेचर पर इसको आप एक्सपांशन कर रहे हैं फाइव लीटर से फिफ्टी लीटर में एडियाबेटिक रिवर्सेबल कंडीशन है आपको यहाँ पर इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज फाइंड करना है इन चारों ऑप्शन में से ओके फोर मार्क्स का क्वेश्चन है ये चलिए देखते हैं देखिए सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स जो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं देखिए सी वी गिवन है आपको फाइव बाई टू आर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है टू टी वन गिवन आपका फाइव हंड्रेड कैलवीन वी वन गिवन है कितना फाइव लीटर वी टू गिवन आपका कितना फिफ्टी लीटर ये सारी क्वांटिटीज क्या आपको गिवन है ओके okay, फ्रेंड्स अब देखिए सबसे पहले अपन को पता है जो आपका रिलेशन होता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर इस रिलेशन से आप क्या फाइंड करेंगे सी पी करेंगे सो so यहाँ से जो आपका सी पी होगा क्या हो जाएगा आर प्लस सी वी सो सी पी इज इक्वल्स टू आर प्लस फाइव बाई टू आर विच इज इक्वल्स टू सेवन बाई टू आर तो सी पी की वैल्यू आपने निकाल ली सबसे पहले ओके okay? नाउ चलिए आगे देखते हम क्या होगा अब देखिए जो आपका गामा या एडियाबेटिक फैक्टर होता है इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी सी पी अपॉन सी हीट कैपेसिटी अपॉन कांस्टेंट प्रेशर एट हीट कैपेसिटी अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम इनका रेशियो क्या होता है गामा एडियाबेटिक फैक्टर तो देखिए सीपी आपने फाइंड करा सेवन बाई टू आर सी वी आपको गिवन ये फाइव बाई टू आर से आर सी आर कैंसिल सेवन टू कितना जाएगा फोर्टीन अपॉन टेन विच इज इक्वल्स टू सेवन बाय फाइव सो गामा की वैल्यू आपकी क्या आई सेवन बाय फाइव ओके नाउ अब देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी सो यू मस्ट फाइंड डेल्टा यू ये आपको फाइंड करना ओके एंड देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है एडियाबैटिक रिवर्सेबल कंडीशन सो फ्रेंड्स इन एडियाबैटिक रिवर्सेबल कंडीशन इन एडियाबैटिक रिवर्सेबल कंडीशन चेंज इन इंटरनल एनर्जीज इक्वल्स टू वर्क डन यह आपको ध्यान रखना है इन इंडिया बेटिक रिवर्सिबल कंडीशन योर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्लू सो इट मीन्स अगर आप वर्क डन फाइंड कर लेते हैं तो आपको डेल्टा यू की वैल्यू मिल जाएगी जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी है सो so देखिए यहाँ पे जो W का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माइनस एन आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन ओके ना देखिए फ्रेंड्स आपको पास गामा है आपके पास एन है आपके पास आर है आपके पास टी वन भी आपके पास टी टू नहीं है सो इट में ही सब आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा टी टू फाइंड करना पड़ेगा तो देखिए टी टू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इज टू टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन ये रिलेशन होता है सो so, यहाँ से अगर आप टी टू फाइन करना चाहें तो टी टू इज इक्वल्स टू टी वन v1 वन बाय वी की पावर गामा माइनस वन ये रिलेशन आपको मिलेगा सो so यहाँ से देखिए आप एक एक करके वैल्यूज़ रख दीजिए t1 की वैल्यू कितनी की है पाँच सौ के एलविन वी की वैल्यू कितनी की है फाइव लीटर v2 टू की वन फिफ्टी लीटर गामा माइनस वन सेवन बाय फाइव की पावर माइनस वन सो so अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे t2 टू इज़ इक्व टू फाइव हंड्रेड इंटू फाइव बाई फिफ्टी इज़ वन बाय टेन सेवन बाई फाइव माइनस वन इज़ टू बाय फाइव ओके टू बाय फाइव और इसको आप क्या लिख सकते हैं फाइव हंड्रेड इक्ल्स टू वन बाय टेन की पावर वन टू बाय फाइव डेट इज़ ज़ीरो पॉइंट फोर ओके नाउ देखिए इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं सो टी टू इज इक्वल्स टू फाइव हंड्रेड इन टू वन की पावर जीरो पॉइंट फोर वन ही रहेगा अपन टेन की पावर जीरो पॉइंट फोर अब देखिए जो टेन की पावर जीरो पॉइंट फोर होती है फ्रेंड्स इसकी वैल्यू होती है टू पॉइंट फाइव सिक्स सो फाइव हंड्रेड इंटू वन बाय टू पॉइंट फाइव सिक्स जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी ज़ीरो पॉइंट थ्री नाइन ज़ीरो वैल्यू किसके ही फ्रेंड्स आपकी वन वन uh, बाय टू पॉइंट फाइव सिक्स की जीरो पॉइंट थ्री नाइन जीरो सो टी टू आपके आ जाएगा फाइव हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट थ्री नाइन जीरो विच इज़ इक्वल्स टू वन नाइन्टी फाइव ये टी टू की वैल्यू नहीं है फ्रेंड जीरो पॉइंट थ्री नाइन जीरो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वन बाई टू पॉइंट फाइव सिक्स ओके योर टी टू विल बी वन नाइन्टी फाइव सो यहाँ से आपका जो वर्क हो जाएगा वर्क क्या हो जाएगा माइनस एन आर डेट इज़ टू इंटू एट पॉइंट थ्री एन की वैल्यू टू है एट पॉइंट थ्री अपऑन गामा माइनस वन अब देखिए गामा क्या था आपका गामा जो आपने निकाला था सेवन बाई फाइव माइनस वन तो यहाँ से ये वैल्यू भी जीरो पॉइंट फोर आई थी तो गामा माइनस वन जीरो पॉइंट फोर ही आएगा इन टू टी टू माइनस टी वन देखिए टी टू क्या था आपका फाइव हंड्रेड टी वन कितना है वन नाइन्टी फाइव सो फाइव हंड्रेड माइनस वन नाइन्टी फाइव कितना जाएगा आपके पास थ्री हंड्रेड एंड फाइव या आपके पास बचा नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू गेट वैल्यू इज वन टू सिक्स फाइव सेवन पॉइंट फाइव जूल ओके okay? एंड आपको पता है आपको वर्क किस में किलो जूल में फ़ाइन करना है तो ये नियरली इक्वल टू हो जाएगा आपके माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव किलो जूल के इतनी वैल्यू आपकी आएगी किलो जूल वर्क डन विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सेकेंड देख लीजिए आप कॉर्नर में क्वेश्चन दिख रहा है आपको ओके सो so, वापस से इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप बस आपको ये ध्यान रखना है टी टू कैसे फाइन करेंगे वन नाइनटी फाइव कैलविन आए तो थ्री हंड्रेड एंड फाइव ओके फ्रेंड्स एंड ये वैल्यू पूरी आई एंड वर्क डन इज़ माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव ये लगभग आपके आंसर ओके एग्जैक्ट नहीं है लगभग आपसे पूछा था वही आपको पता करना था क्लोजेस्ट टू ओके सो ये इसका पूरा सॉल्यूशन है देख लीजिए ठीक है फ्रेंड्स ओके तो फ्रेंड्स ये थे आपके क्वेश्चन जो जून टू थाउजेंड नाइनटीन में थर्मोडाइनमिक्स टॉपिक्स से आपसे पूछे गए थे ठीक है एंड फिर भी किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स So thank you friends, thank you for watching.